हेलो स्टूडेंट्स, आज एक प्रॉब्लम है जो ज्योमेट्री के ऊपर बेस करके है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है। एक स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी डी एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का जो साइड्स है, हर साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर करके है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी है ई एफ जी बी। ये एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल का वन साइड जो गिवेन है, दैट इज़ बी जी बोले या फिर आप ई एफ बोले, वो 12 सेंटीमीटर गिवेन है। अभी हम लोग को खोजना क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो अगर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है तो हमको निकालना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर ब्रेथ गिवेन है, सिर्फ लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो लेंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि ये स्क्वायर होने की वजह से जो बीसी का लेंथ आएगा तो ये भी तो 14 ही होगा। तो बीसी आपका 14 है, और यहाँ पर ऐसे एंगल जी पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपरटेन्यूज 14 है और वन साइड जो है 12 है। तो यहाँ से हम लोग इजीली जीसी को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर दे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो व्हाट वी फाइंड हियर, चलो पाइथागोरस लगाते हैं। तो जी सी का स्क्वायर ये हो जाएगा हाइपरटेन्यूज बी सी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बी जी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, और बी जी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया 196 और ये हो गया 144। तो 196 और 144 ये होता है आपका 52। तो यहाँ पर ये लेंथ आ रहा है, तो इसका अगर रूट कर देते हम लोग जी सी, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 52, ठीक है ना। तो ये रूट ओवर ऑफ 52 आ रहा है, तो ये लेंथ जी सी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 52, ठीक है ना। तो ये 4 × 13 होता है, दैट मीन्स 2√13 हो जाएगा, या इसको आप 2√13 भी लिख सकते हो, 2√13, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक लेंथ है एफ सी, जो पता नहीं है, तो इसको एक काम करते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो एफ जी यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, पूरा एफ जी का लेंथ हो गया एक्स प्लस रूट ओवर 52, दैट मीन्स 2√13। तो एफ जी का जो लेंथ होगा, आपको पता है कि ई बी का लेंथ भी सेम आएगा। तो ए बी का लेंथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2√13, ये हो गया अपना ई बी का लेंथ, ठीक है ना। तो चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक ट्राइंगल लेते हैं ई ए और बी, और एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर ई ए बी, और यहाँ पर एक ट्राइंगल लेते हैं एंड ट्राइंगल बी जी सी। ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या चीज़ सेम मिलता है। तो पहला क्राइटेरिया जो है यहाँ पर, कंडीशन जो दिख रहा है वो है एंगल ए, ये एंगल जी के बराबर है, बोथ आर 90 डिग्री, क्लियर है ना। नंबर टू, अगर हम इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं, थीटा, तो ये अपना कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये आ गया 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाला कि ये जो लाइंथ ए डी है, ये लाइंथ ए डी और यहाँ पर ये लाइंथ है बी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल है और यहाँ पर बी को ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा, यहाँ से अपना ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तो ये लेंथ जो है ये आपको थीटा मिल जाएगा, और जैसे ये थीटा होगा तो आपको पता है ये पूरा रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल का एक पार्ट अगर थीटा है तो ये वाला पार्ट फिर कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये एंगल फिर ऑब्वियसली आपके पास थीटा आ जाएगा, ये एंगल फिर ऑब्वियसली आपके पास थीटा आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सी बी ई इज इक्वल टू बी ई ए, ऑल्टरनेट एंगल। चलो तो यहाँ पर ये जो एंगल है अपने पास, ये एंगल हो रहा है एंगल बी ई ए, बराबर किसके साथ है,
एंगल जी सी बी इसके बराबर हो गया। तो बाय ए ए सिमिलरिटी वी कैन से दैट द ट्राइंगल ई ए बी इज सिमिलर। तो ई वर्टिक्स किसके साथ सिमिलर हुआ? सी वर्टिक्स के साथ, है ना। और ए वर्टिक्स सिमिलर किसके साथ है? जी के साथ। और रिमेनिंग एंगल जो है वो बी है। तो ई ए बी सी जी बी के साथ इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई ए, तो यहाँ से ले लेंगे सी जी विच इज इक्वल टू ए बी, यहाँ से आ जाएगा जी बी, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई बी विच इज सेम एज सी बी। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है व्हाट वी नो दैट रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी सेम। अब यहाँ से फिगर से देख देख के हम लोग ये सब का वैल्यू बैठा देते हैं, ठीक है ना। ई ए, ई ए का वैल्यू नोन नहीं है तो इसको फिर एज इट इज़ रख देते हैं। नाउ नेक्स्ट ए बी, ए बी का वैल्यू पता है अपने को 14, और यहाँ से जी बी, जी बी आप देख सकते हैं 12 है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर ई बी, ई बी को आप देखें, ई बी का लेंथ पता है एक्स प्लस 2√13 है, एक्स प्लस 2√13 डिवाइडेड बाई बी सी, और बी सी का लेंथ जो है बी सी, बी सी यस, बी सी का लेंथ अपने पास 14 है, ठीक है ना। अच्छा ये जो लेंथ है एक्स प्लस 2√13 ये पूरा लेंथ एफ जी के बराबर है या फिर ये ई बी के बराबर है। तो इसको हम एफ जी लिख सकते हैं, एफ जी या फिर ई बी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ई बी लिखना चाहे तो एज इट इज़ लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को ई बी कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो नाउ वी कैन राइट एज ई बी बाई देन 14। तो अब ये दोनों को अगर कंपेयर कर लेते हम लोग व्हाट वी नो, तो ये रेशियो का क्या हुआ? इसमें कुछ क्वांटिटी अननोन है जो हम लोग को दरकार भी नहीं है, तो इसको आप यहीं पर। तो व्हाट वी हैव 14/12 विच इज़ इक्वल टू ई बी लेंथ बाई 14। तो यहाँ से आप अगर कैंसिल करेंगे 6, यहाँ से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 7, उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे तो 3, इसको 2 से करने से 7, तो 7 × 7 = 49/3 ये वैल्यू आ गया ई बी का। ये वैल्यू किसका है? ई बी का वैल्यू है, ठीक है ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अगर आपको चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया, तो ये क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर ब्रेथ इंटू लेंथ कर देते हैं 49/3। तो इसको काटेंगे ये 4 हो जाएगा, तो 196 आ रहा है, ठीक है ना। तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर डाल देते हैं। तो फिर ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया अपने पास? अपन के पास इसका एरिया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये सम्स कैसा लगा और स्ट्रैटेजी कैसा लगा। होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।